सीएम का शहडोल आगमन, किसान सम्मान निधि नहीं मिलने से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जताई नाराजगी, प्रशासनिक अधिकारियों को लगाई फटकार। आज बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का शहडोल आगमन हुआ, जहां उन्होंने मुख्यालय से लगे हुए ग्राम कोटमा में पहुंचकर मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविर को संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने मौके पर उपस्थित ग्रामीणों के समक्ष ही संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार जनता की सेवा के लिए कृत संकल्पित है। शिविर में विभाग योजनावार प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने फैसला कर लिया है कि शासन की ओर से संचालित कल्याणकारी योजना के पात्र हितग्राही सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाएंगे, बल्कि शासन प्रशासन के लोग गांव में जाकर हितग्राहियों से संपर्क स्थापित करेंगे और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कल्याण योजना के अंतर्गत कई किसानों को राशि नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। प्रशासनिक अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि किसानों के लिए यह योजना काफी समय से संचालित है, जिसमें उन्हें 10,000 की राशि उपलब्ध कराई जाती है। यह राशि पात्रों को अभी तक क्यों नहीं मिल सकी है? अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसान सम्मान निधि से जिन किसानों को लाभ नहीं मिला है, उनकी सूची तैयार कर प्राथमिकता के साथ लाभ दिलाने का काम करें और राशन वितरण व्यवस्था को और अधिक कारगर और पारदर्शी बनाएं। योजना का लाभ सभी पात्र गरीब परिवारों को मिलना चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभों का वितरण भी किया। यह रहे उपस्थित शिविर में जिले के प्रभारी मंत्री राम खेलावन पटेल, सांसद हिमाद्री सिंह, अध्यक्ष महिला विकास निगम अमिता चपरा, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रभा मिश्रा, विधायक जैतपुर मनीषा सिंह, विधायक व्यवहारी शरद कोल, कमिश्नर राजीव शर्मा, कलेक्टर वंदना वेद, उपाध्यक्ष जिला पंचायत फूलमती, जनपद अध्यक्ष सुहागपुर हीरावती कौल, अपर कलेक्टर अर्पित वर्मा, सीईओ जिला पंचायत और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे।